Just wait. Hello everyone. Good evening to all guys. Is my voice properly audible to you all? And also I hope my screen is visible clearly. Everything is good to start the class. Let me know in the chat box if okay, Divyansh. Thank you. So just a minute. Oh. Yeah. Okay. So in the last class, what are the concepts we have covered? Anna? So we have covered like cube root of unity. है ना, एंड उसके साथ साथ nth रूट ऑफ यूनिटी को भी हम लोग कंप्लीट किए थे, और उसके साथ और क्या पढ़े थे हम लोग, जैसे कि ज्योमेट्री पढ़े थे ना, कुछ लाइन सेगमेंट की इक्वेशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होता है, ये सारी चीज पढ़े थे ना, ज्योमेट्री का कुछ पार्ट हम पढ़े थे, ठीक है ना, और कुछ पढ़े थे क्या, दैट्स ऑल, है ना, इतना ही हम लोग लास्ट क्लास में हम कवर किए थे. सो बेसिकली आज की जो क्लास है, आज के क्लास में हम ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं, मतलब एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे कैसे यूज करेंगे, जैसे कि हम कार्टेशियन प्लेन में ना, कार्टेशियन प्लेन मीन्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो था ना हमारा, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे उस टाइम, तो वहां पे हम जैसे ही यूज कर रहे थे, इस केस में भी कॉम्प्लेक्स नंबर की प्लेन या अर्गन प्लेन में भी हम लोग स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे होगा, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड लाइन सेगमेंट क्या होता है, लोकस, जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन को डिराइव किए थे, सिमिलरली हम इलिप्स को इलिप्स का इक्वेशन को डिराइव करेंगे, हाइपरबोला की इक्वेशन को डिराइव करेंगे, फिर जो इम्पोर्टेंट है सर्कल की इक्वेशन को डिराइव करेंगे, जो चीज इंपोर्टेंट है वो सारे चीज को हम कवर करने वाले हैं आज की क्लास, ज्योमेट्री के बारे में बस, और कुछ नहीं, ठीक है ना. तो दिस सेशन इज बेस्ड ऑन ज्योमेट्री. अच्छा ये बताओ, लास्ट क्लास में, अच्छा ये तो ठीक है, मैं तो आपको एक होमवर्क दिया था, पता है ना आपको, याद है कि नहीं, एक क्वेश्चन तो आप लोगों को होमवर्क दिया गया था. How many of you solved that question? Anyone? Write in the chat box. Kunal? listen, actually, क्या होता है ना? Class ना, class एक ऐसा चीज है कि तुम अगर regularly आओगे तो अच्छा, ठीक है. फिर कभी कभी मन हुआ तो आ जा जाऊं, फिर मन नहीं हुआ तो नहीं जाऊंगा, ऐसे नहीं होता है, ठीक है. तो मैथ्स में कंटिन्यूटी का रहना जरूरी है, ठीक है. सो टेल मी, इन द लास्ट क्लास आई गेव वन होमवर्क क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, हाउ मेनी ऑफ यू सॉल्व दैट क्वेश्चन? क्वेश्चन देखोगे क्या, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन दिया था ना आप लोगों को मैं, हाउ मेनी ऑफ यू सॉल्व इट? Let me, how many of you tried this question? Dibyansh, Sundar, Yoga, Prathmesh, Vaishnavi, Kunal. Yes. Any one of you, any one of you tried it? No. अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो कैसे क्वेश्चन कैसे बनेगा यार, बताओ, नहीं बन सकता है ना. क्वेश्चन ट्राई किया हो कि नहीं बताओ मुझे. ओके ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम. चलो पहले तो हम ऐसे करते हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं जो ज्योमेट्री का जो कॉन्सेप्ट था ना, ऑलरेडी वी हैव डिराइव्ड और वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास, है ना, उस चीज को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं,
जैसे कि हम लोग पढ़े थे, इसका मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू, एनी वन कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू? बोलो अदिति, आयुष, यस, एनी वन, दिव्यांश, टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू? यस, मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू, इसका मतलब क्या होता है ये बताओ मुझे। ज्योमेट्री में लास्ट क्लास में हम इसको डिस्कस किए थे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू? अगर आप लोग ये चीज नहीं बताओगे ना, मैं क्लास छोड़कर अभी भाग जाऊंगा, ये तो बताना ही पड़ेगा आपको। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर, वेरी गुड, दैट्स नाइस, यस। सो अगर आप, इसका मतलब क्या होता है, लास्ट क्लास में आप लोगों को मैं बताया था, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन एंड जेड टू, जेड वन एंड जेड टू के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, उसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू में रिप्लेस करते हैं, मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको ये पूछूं मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू का मतलब क्या होता है, बोलो इसका मतलब क्या होता है, मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू का मतलब मीनिंग क्या होता है इसका? बोलो, मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू का मीनिंग क्या होता है? अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर, वेरी गुड वेरी गुड, दैट्स नाइस, है ना। इट कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ जेड वन माइनस माइनस ऑफ जेड टू, है ना। दिस इज सिम, ये जो है ना, ये फॉर्मेट एक्चुअली होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, उसको हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो कैसे होगा ना, इसका मीनिंग होता है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन एंड माइनस ऑफ जेड टू, वेरी गुड, ओके। चलो ये तो हो गया, थैंक यू। आप लोग जो भी है, याद तो है ना, मतलब आप समझ रहे हो चीज को, ठीक है, दैट्स ऑल, ओके। अच्छा, मुझे अभी लास्ट क्लास में जो भी प्रेजेंट थे, कौन, सुंदर, सुंदर प्रेजेंट था, है ना, योगा, एक क्वेश्चन फॉर यू ऑल्सो, ठीक है। चलो मुझे ये बताओ, मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड टू इज इक्वल टू के इफ के इज इक्वल टू वन, देन व्हाट इज द लोकस ऑफ जेड? ये बताओ मुझे, इफ के इज इक्वल टू वन, व्हाट इज द लोकस ऑफ जेड? लास्ट क्लास में आपको मैं बताया था, योगा यू हैव टू आंसर दिस, योगा स्ट्रेट लाइन, सीरियसली इट्स स्ट्रेट लाइन, नो आई थिंक नो यू आर रॉन्ग, स्ट्रेट लाइन नहीं होता यार, या इट्स ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग जेड वन एंड जेड, राइट, है ना। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, इफ के इज इक्वल टू वन, हम उसको, अगर हम के इज इक्वल वन है तो मॉड मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड टू इज इक्वल टू वन, सो वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू, है ना, ये होता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, हम फिगर बनाए थे ना लास्ट क्लास में, ऐसे अगर ये मेरा जेड वन है, ये मेरा जेड टू है, और ये मेरा जेड है, दिस पॉइंट, दिस दिस इक्वल टू दिस, है ना। सो जेड इज ए वेरिएबल मूविंग पॉइंट, है ना,
तो जेड इसे मूव करेगा जैसे कि जेड वन और जेड टू से इक्वली इक्वल डिस्टेंस में रहना चाहिए, ऐसे ही मूव करेगा है ना। मतलब जेड वन से जेड टू के बीच में जो डिस्टेंस है ना जेड का, वो ऑलवेज रिमेन सेम, वैसे ही जेड मूव करेगा, तो मुझे क्या मिलेगा, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेगा। सो देन जेड देन द लोकस, मैं बताया था लास्ट क्लास में, देन द लोकस इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा सुंदर, यू हैव ए क्वेश्चन ऑल्सो, इफ के इज नॉट इक्वल टू वन देन व्हाट इज द लोकस। बोलो, सुंदर यू हैव ए क्वेश्चन, या वेरी गुड, दैट इज ए सर्कल है ना। इफ के इज नॉट इक्वल टू वन, इफ के इज नॉट इक्वल टू वन द लोकस इज ए सर्कल है ना। सो इतने सारे चीज ज्योमेट्री का हम लास्ट क्लास में डिराइव भी किए थे, डिस्कस भी किए थे और समझे भी थे है ना। सो उसके बेस्ड में एक क्वेश्चन में आप लोगों को दिया था, अभी बताओ हाउ मेनी ऑफ यू ट्राइड दिस। दिव्यांश, डिड यू ट्राइड दिस क्वेश्चन? आप लोग तो प्रेजेंट थे ना, जो जिसका नाम ले रहा हूं ना एसएस, मैं देख रहा हूं कौन कौन प्रेजेंट था। आई नो 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 योगा दिव्यांश नॉट हियर, व्हाट हैपेंड? या दिव्यांश एंड सुंदर, हाउ मेनी ऑफ यू ट्राइड? नो सर, आज वी डिडंट नोट द क्वेश्चन। व्हाई? मैं आपको टाइम भी दिया था, यू शुड टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन ना, यू कुड हैव टेकन ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, करना चाहिए। ठीक है, अभी बताओ ये क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखो हम सारे चीज को डिस्कस कर चुके हैं, जितने कॉन्सेप्ट हम कवर किए अभी तक उसके ऊपर ही ये क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा कुछ है ही नहीं। बोलो, आज की क्लास में हमारे पास ज्यादा कुछ है ही नहीं, मतलब हम कंप्लीट कर लेंगे क्वेश्चन को, डोंट वरी। ये बताओ इसका मीनिंग क्या है, ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, कोई आइडिया है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का? ये बोल रहा है कि इफ द सेंटर एंड रेडियस है ना, इफ द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल दिस। अच्छा ये सर्कल दे दिया है मुझे है ना, इफ के इज नॉट इक्वल टू वन सो मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन, अभी तो पढ़े थे भाई, इफ के ये मेरा जनरल इक्वेशन है, अगर के इज नॉट इक्वल टू वन है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल को रिप्रेजेंट। अच्छा यहाँ पे तो k is equal to 2 दिया है, so which is not equal to 1, so it's a circle है ना। तो if the center and radius of the circle this are respectively alpha, beta and gamma। अच्छा center क्या दिया है, तो circle का जो equation दिया है that is mod of z minus 2 upon mod of z minus 3 is equal to 2 दिया है मुझे। तो ये जो circle है इसमें center क्या दिया है, that is alpha, beta, रेडियस क्या दिया है, दैट इज गामा है ना। ओके सो देन यू नीड टू फाइंड 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू व्हाट, यही तो फाइंड आउट करना है और कुछ नहीं है ना। ओके सो लेट्स टेक, कैसे सॉल्व करेंगे, लेट सपोज जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आईओटा वाई, इसको ये इक्वेशन में पुट कर लो, अभी करके देखो को आंसर मिल जाएगा, को पक्का मिल जाएगा है ना। अगर z को मैं x प्लस आयोटा y ले जाऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे, ठीक है, तो इसको रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के हिसाब से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसा पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स प्लस आयोटा वाई मॉड ऑफ यही तो मिलेगा,
है कि नहीं। तो अभी क्या करना है मुझे, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दो। इसमें रियल पार्ट क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू प्लस आयोटा वाई टू इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस आयोटा वाई, है ना, यही हो जाएगा। अच्छा, मॉडुलस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ मुझे। हाउ वी कैन फाइंड ए मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो आपको ना अभी तो हम लास्ट स्टेज में है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा ये सजेशन है कि सारे जो लास्ट वीडियोज है उसको देख लो, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम तो हो सकता है, ठीक है ना। या आई अंडरस्टूड दैट, ओके। अभी बताओ इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस टू प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू, इसका मॉडुलस, मॉडुलस क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू रूट ऑफ एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मिलेगा कि नहीं ये बताओ मुझे। अच्छा, दोनों स्क्वायर में, दोनों साइड में करेंगे हम स्क्वायर, अगर दोनों साइड में स्क्वायर ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, बोलो। तो ये हो जाएगा x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर इंटू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी करो सबको ओपन, सबको ओपन कर दो, चलो ओपन करके देखते हैं ना। तो x माइनस टू का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा तो फोर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर एंड ये हो जाएगा कितना प्लस नाइन इंटू फोर एंड दिस विल बी सिक्स एक्स इंटू फोर ट्वेंटी फोर एक्स प्लस फोर वाई स्क्वायर। बोलो ये सबको इस साइड में ले आओ तो थ्री एक्स स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर फोर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर थ्री वाई स्क्वायर, है ना। और क्या बचेगा भाई, ट्वेंटी फोर एक्स माइनस ट्वेंटी फोर एक्स माइनस फोर एक्स प्लस आ जाएगा यहाँ पे माइनस ट्वेंटी एक्स, इज इट नॉट, एंड थर्टी प्लस फोर माइनस फोर हो जाएगा माइनस प्लस थर्टी तो थर्टी टू आ जाएगा ना, इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, है कि नहीं। तो ये क्या है भाई, ये जो इक्वेशन आपको मिला है अभी ये क्या है दिव्यांश, बताओ मुझे। ये एक तो सर्कल है ना, मुझे पता था सब लोग छोड़ के चले जाएंगे यार, ये बताओ ये क्या है, एक सर्कल है कि नहीं ये बताओ। अरे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल की, जनरल सर्कल की इक्वेशन क्या होता है कोई बता सकता है मुझे, ये होता है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। सर्कल ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं एंड सर्कल को हम 10 लेक्चर में कंप्लीट किए थे यार, हाउ डिड यू फॉरगेट दिस, है ना। तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है, तो इसमें सेंटर क्या होता है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, कोई बोल सकता है इस इक्वेशन में सेंटर क्या होता है, दिव्यांश बताओ मुझे सुंदर योगा। जैन बी संभाजी नगर, संभाजी, ओके संभाजी नगर, आयुष। अच्छा ये बताओ मुझे, ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है इसका सेंटर क्या होता है, एनीवन। अरे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड कॉनिक सेक्शन को अच्छे से कंप्लीट किए थे यार, ये बताओ मुझे ये एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है तो इसका सेंटर क्या होता है एंड रेडियस क्या होता है, बोलो क्या यार, ये अच्छा नहीं है। या वेरी गुड वेरी गुड। दिव्यांश इज सेइंग सर एच के, ओ
इन दिस इक्वेशन डू यू फाइंड एनी एच एंड के? नो, योगा इज सेइंग सर जी एफ एंड दिव्यांश इज सेइंग सर माइनस जी माइनस एफ, आयुष इज सेइंग सर माइनस जी माइनस एफ, या सेंटर इज माइनस जी माइनस एफ, राइट? व्हाट इज द रेडियस? वेरी गुड. व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल? बोलो. अगर सेंटर माइनस जी माइनस एफ है सो रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे? सर्कल के, सर्कल में ना सारे चीज को कवर किए थे. ये बताओ मुझे, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल? बोलो. अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. वेरी गुड. क्या होता है? अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस, ठीक है? तो ये रेडियस होता है, ये सेंटर होता है, तो वही तो है. इसमें क्या पूछा है भाई? मुझे अल्फा बीटा फाइंड आउट करना है. पहले तो सेंटर फाइंड आउट करना है, फिर गामा को फाइंड आउट करना, व्हाट इज व्हिच इज योर रेडियस, एंड देन वी नीड टू फाइंड दिस, है ना? सो ये बताओ, ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल मिला है मुझे, इसमें सेंटर क्या हो जाएगा? अच्छा, सेंटर को फाइंड आउट करने के लिए एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर की कोफिशियंट को मुझे वन करना पड़ता है ना? या तो अगर हम थ्री को दोनों साइड में डिवाइड कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20 अपन 3x प्लस 32 अपन 3 इज इक्वल टू 0. अभी बताओ मुझे इसका सेंटर क्या हो जाएगा? बोलो, इसमें सेंटर क्या हो जाएगा? माइनस जी माइनस एफ फाइंड आउट करना था ना, तो सेंटर को हम कैसे, या आयुष, गुड गुड, सेंटर क्या हो जाएगा इसमें? मुझे ना एक्स की जो कोफिशियंट है उसमें माइनस टू को डिवाइड करना चाहिए, फिर वाई के कोफिशियंट को माइनस टू से डिवाइड करना चाहिए. तो एक्स की कोफिशियंट को अगर हम माइनस टू से डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? 10/3. और वाई की कोफिशियंट तो है ही नहीं, 0/0. सो दिस बिकम्स 0. तो अल्फा बिकम्स 10/3 एंड बीटा बिकम्स 0, राइट? सिमिलरली रेडियस क्या हो जाएगा? या ठीक है दिव्यांश, थैंक यू. योगा, गुड गुड गुड, वेरी गुड. रेडियस क्या हो जाएगा? सो अंडर रूट ऑफ 10/3 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर और माइनस ऑफ 32 अपन 3. क्यों? सी ये है ना, ठीक है ना? तो इसको सिंप्लीफाई करो और बताओ रेडियस क्या मिल रहा है मुझे. ये तो हो जाएगा 100/9 माइनस 32/3, राइट? सो इट बिकम्स, मुझे ये लग रहा है कि इसका जो आंसर मिलेगा ना, दैट इज 4/√4/9 व्हिच इज 2/3. तो रेडियस बन गया, ये मेरा क्या है? गामा. रेडियस बन गया 2/3. सो मुझे क्वेश्चन में पूछा क्या है भाई, ये बताओ मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा था? देखो, क्वेश्चन में पूछा था 3 × α + β + γ. मुझे क्या फाइंड आउट करना है? 3 × α + β + γ. सो ये हो जाएगा 3 × α + β, कितना हो जाएगा? 10/3, और बीटा क्या है? 0 प्लस 2/3, है ना? सो आंसर क्या आ जाएगा भाई? 3 × 10/3 + 2/3, सो 12/3. सो 3 × 12/3 = 4, दैट इज 12. सो 12 इज योर आंसर, इट्स करेक्ट, है ना? सो आंसर क्या मिला है भाई? आंसर क्या मिला है आपको? 12 इज द करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन, व्हिच ऑप्शन द करेक्ट? ऑप्शन ए. इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलो, अभी ये समझ में आ गया सबको? कोई डाउट है इसमें? बताओ, इसमें कोई डाउट है क्या? कोई भी डाउट है तो पूछो. नो सर, नो सर. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, दैट्स गुड. 2023 जेई मेंस का क्वेश्चन था, ठीक है ना? ओके, सो नाउ लेट्स मूव थ्रू द नेक्स्ट लोकस, है ना? हम उसको नाम दे देते हैं भाई. फॉर्म वन तो हम पढ़ चुके हैं, फॉर्म टू, है ना? हम इसको अभी देखते हैं. देखो, सम ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ जेड, फ्रॉम एनी टू फिक्स्ड पॉइंट और एनी टू फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, फ्रॉम जेड वन
एंड जेड टू इज कॉन्स्टेंट। है ना, ये चीज दे, इसका मीनिंग है कि कोई भी एक जेड है जिसका जेड वन से और जेड टू से डिस्टेंस जो होता है, जेड वन से जेड की डिस्टेंस प्लस जेड वन से जेड टू से जेड की डिस्टेंस की सम में क्या मिलता है ना, जेड माइनस जेड वन प्लस जेड माइनस जेड टू, ये कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो इस केस में अगर के ग्रेटर देन जेड माइनस जेड वन माइनस जेड टू हो जाएगा या के इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन माइनस जेड टू हो जाएगा, तीन केस बनेगा बेसिकली, है ना, थ्री केसेस विल रीच हियर, है ना। तो क्या क्या हो सकते हैं? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में किसी को कुछ डाउट है नहीं ना? कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं है ना? गुड गुड। अच्छा, इस केस में बताओ मुझे, आपको कुछ दिख रहा है क्या? सम ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ जेड फ्रॉम जेड वन एंड जेड टू इज कॉन्स्टेंट, कुछ याद आ रहा है आपको? कॉनिक सेक्शन में ऐसे कुछ डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे क्या? बोलो, कॉनिक सेक्शन में ऐसे कुछ डेफिनेशन। अरे यार, पेन टैप को क्या हो गया भाई? चलो चलो चलो, हाँ ठीक है, बताओ मुझे, कॉनिक सेक्शन में ऐसे कुछ डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे क्या? किसी को कुछ याद आ रहा है तो बताओ मुझे। जस्ट अ मिनट, यस बोलो। तो मैं ये आपको बोलने चाहता हूं, बोलना चाहता हूं कि फर्स्ट केस में अगर हम देखेंगे, आपको ये याद है कि अगर मैं बोलूं केस वन, है ना, मैं ऐसे आपको बता रहा हूं कि लोकस ऑफ पॉइंट, एलिप्स की डेफिनेशन क्या होता है, लोकस ऑफ ए पॉइंट, है ना, सम ऑफ डिस्टेंसेस, फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट। अच्छा, ये फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं भाई? फोकाई हुए ना, फोकाई है ना, है ना, टू फिक्स्ड पॉइंट जेड वन एंड जेड टू, है ना, या हम बोल सकते हैं इज कॉन्स्टेंट, कोई भी टू फिक्स्ड पॉइंट है इज कॉन्स्टेंट, है ना, यही होता है इलिप्स का इक्वेशन, इलिप्स का, जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के केस में पढ़े रहते हम लोग ऑलरेडी, मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे था। देखो ऐसे था ना, अगर आपके पास कोई इलिप्स है ना, और यू हैव टू फिक्स्ड पॉइंट, सपोज दैट दोस पॉइंट्स आर जेड वन एंड जेड टू, एंड यू हैव अनदर पॉइंट, ओके छोड़ दो ये सारे चीज को छोड़ दो अभी, यू हैव टू फिक्स्ड पॉइंट और टू फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज लाइक दैट, ऐसे कुछ है। देखो जैसे कि आपके पास एक जेड वन है और एक जेड टू है, राइट, और एक फिक्स्ड सॉरी एक मूविंग पॉइंट है, मूविंग कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट इज जेड। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूं ना, इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, अगर ऑल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ इलिप्स में हम लोग पढ़े थे, है ना, इसके बीच में डिस्टेंस और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस की सम क्या होता है ना, जेड माइनस जेड वन प्लस जेड माइनस जेड टू इज इक्वल टू टू ए हो रहा था ना, जैसे कि हम यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको बता दिया हूं मैं अल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है। जैसे कि आपके पास सपोज टू फिक्स पॉइंट है, सपोज एक तो है एस, दूसरा है एस डैश और तीसरा है पी,
जो मूविंग पॉइंट है, और इसका जो पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड है, इसका जेड वन है, जेड टू है सपोज, इसका जेड वन है ना। तो इस केस में इलिप्स कैसे बनता है भाई बोलो ना, पी एस वन प्लस पी एस टू है ना, पी एस वन एस डैश ले लो ना, हम यहाँ पे ऐसे लिए हैं, पी एस डैश प्लस पी एस शुड बी इक्वल टू टू ए है ना। ए क्या होता है, आप लोग अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अच्छे से कवर किए हो तभी तो समझ में आ जाएगा। है ना, ऐसे कुछ मुझे फिगर मिल रहा था वहां पे, जैसे कि एक तो इमेजिनरी एक्सिस हो रहा था और एक रियल एक्सिस हो रहा था, ऐसे कुछ है ना। ये होता है इलिप्स का इक्वेशन। तो सिमिलरली यही चीज को अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की, देखो आपको अगर कुछ डाउट है इलिप्स में तो आप प्रीवियस वीडियोस ऑफ इलिप्स देख सकते हो, है ना। इलिप्स में कुछ भी नहीं है, स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड अदर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, वही चीज को हम कवर किए हैं जो जेई मेंस की सिलेबस के हिसाब से उसी को ही पढ़े थे हम लोग, और कुछ ज्यादा कुछ है ही नहीं उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा है ना, सो इफ, ये आपको मैं बोल दे रहा हूं कि इफ केस वन जो है ना, देखो इफ के बिकम्स ग्रेटर देन वन है ना, अगर के ग्रेटर देन वन है तो इस केस में क्या बनेगा, देखो इलिप्स के केस में क्या होता था ना, जो इक्सेंट्रिसिटी हो रहा था ना, दैट इज लेस देन वन है ना, इज लेस देन वन, तभी तो कॉनिक सेक्शन एक इलिप्स बनता है, ठीक है। तो सिमिलरली यहां पे हम देखेंगे अगर के ग्रेटर देन वन होता है, अगर के ग्रेटर देन, सॉरी सॉरी यार वन नहीं यार, यहां पे क्या हो जाएगा, इफ k becomes greater than z1 minus z2, mod of z1 minus z2 है ना। तो इस केस में क्या बनता है भाई, ये ना एक इलिप्स बन जाता है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 z2 और कोई भी एक फिक्स्ड पॉइंट है z, सो z minus z1 plus z minus z2 है ना is equal to k, so k क्या है ना, z1 और z2 के बीच में जो डिस्टेंस है ना, z1 और z2 के बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है z1 z2 के बीच में जो डिस्टेंस है, उससे अगर k बड़ा हो जाएगा, ये k बड़ा हो जाएगा, तभी ये किसको रिप्रेजेंट करेगा ना, कि इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। यहां पे लोकस इज ए इलिप्स, याद रख लो फिर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, लोकस इज ए इलिप्स इफ के बिकम्स ग्रेटर देन मोड ऑफ जेड वन माइनस जेड, है ना। ये देखो अल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ इलिप्स ये होता है, ठीक है। मतलब कोई भी टू, यू हैव टू फिक्स्ड पॉइंट, यू हैव ए मूविंग पॉइंट, इफ द डिस्टेंस बिटवीन दैट मूविंग पॉइंट एंड वन ऑफ द फिक्स्ड पॉइंट plus the distance between the moving point one and one of the fixed point is equal to 2a, is equal to is constant, where the constant is greater than the distance between the fixed points, distance between the fixed points, agar wo constant dono fixed point ki distance se bada ho raha hai tabhi to wo ellipse ban raha hai, so locus yahan pe kya banega na, ellipse banega। agar k is equal to, second case kya hai, agar if k is equal to mod of z1 minus z2 बनेगा, तो उस केस में क्या बनेगा भाई, ये जो इक्वेशन था ना मेरे पास, mod of z minus z1 plus mod of z minus z2 is equal to k हो रहा था ना, अगर k के जगह में मैं ऐसे लिख दूं कि mod of z1 minus z2, जैसे कि इस केस में क्या बनेगा, एक लाइन लोकस क्या बनेगा, लोकस इज ए लाइन सेगमेंट, joining z1 and z2, कैसे,
कैसे बन रहा है भाई ये बोलो। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको। आई थिंक ओके सी, यहां पे लाइन सेगमेंट कैसे बन रहा है? अगर के इज इक्वल टू जेड माइ जेड वन माइनस जेड टू हो गया तो ये बोल रहा है कि मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन प्लस, देखो ऐसे बनेगा ना, अगर ये आपका जेड है सपोज, ये आपका जेड है, ये बोल रहा है कि मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन, अगर ये आपका जेड वन है प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू, ये मेरा जेड माइनस जेड वन है और ये आपका मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू है, और इन दोनों का सम अगर जेड वन जेड टू के बराबर रहे तो मॉड ऑफ जेड वन मतलब जेड वन से जेड टू के बीच में जो डिस्टेंस है उसके साथ बराबर है तो ये क्या बनेगा भाई? ये तो लाइन सेगमेंट भी बनेगा ना, बोलो बताओ बनेगा कि नहीं? ये सुनो, अगर के मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू से बड़ा हो रहा है तो एलिप्स बन रहा है, अगर ये के इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू हो रहा है इस केस में क्या बन रहा है ना? लाइन सेगमेंट तो बन रहा है ना, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड जेड वन, इसका मीनिंग क्या है ना? डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड जेड टू, इन दोनों को ऐड करेंगे और ये किसके बराबर हो रहा है ना? जेड वन से लेकर जेड टू के बीच में जो डिस्टेंस है इसके बराबर हो रहा है। दैट मीन्स ये क्या बन रहा है भाई? ये तो एक लाइन सेगमेंट भी बन रहा है ना, जॉइनिंग टू पॉइंट्स जेड वन एंड जेड टू। ये सुनो, इज इट क्लियर? बोलो आए समझ में? क्लियर यस और नो? ओके गुड। सिमिलरली अगर आपको मैं ये पूछूं थर्ड केस, जो इफ के इज लेस देन, आप ये चीज मुझे आप ये बता के दिखाओ कि इफ के बिकम्स लेस देन जेड वन माइनस जेड टू हो जाएगा तो इस केस में क्या बनेगा? अगर जो के है दैट इज एन इक्वेशन क्या था, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू इज इक्वल टू के, एंड के मैं बोल रहा हूँ कि जो के है ना दैट इज लेस देन मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू है तो उस केस में क्या बनेगा? कोई बता सकता है मुझे? बोलो क्या बनेगा? एनीवन कैन टेल मी? योगा दिव्यांस क्या हो रहा है भाई, तुम चुप क्यों हो गए हो? बोलो क्या बनेगा इस केस में? अगर के जो है ना, अगर जेड वन से जेड टू के बीच के डिस्टेंस से छोटा हो रहा है, मतलब ऐसे आपके पास ये एक जेड है और ये एक जेड वन है, ये एक जेड टू है, ये बोला कि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस का सम, इन दोनों के सम के से छोटा हो रहा है तो के क्या है ना? के इज लेस देन जेड वन जेड टू, ऐसे कुछ है क्या? पॉसिबल है क्या? नो। सो नो क्या हो जाएगा? नो लोकस, लोकस मिलेगा ही नहीं मुझे, ऐसे कुछ सोल्यूशन नहीं मिलेगा, नो लोकस मिलेगा, ऐसे कुछ पॉसिबल है क्या? के जो है, के क्या है भाई? के क्या है? मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू, सो के इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन जेड वन एंड जेड टू है ना, अगर जेड वन से जेड के बीच में डिस्टेंस हो दैट इज के, एंड के इज लेस देन जेड वन माइनस जेड टू, मतलब जेड वन से जेड टू के बीच में डिस्टेंस से के छोटा हो रहा है तो एंड दिस प्लस दिस इज इक्वल टू के हो रहा है, इज इट पॉसिबल? सो के क्लेस के इन प्लेस ऑफ के व्हाट आई कैन राइट हियर, आई कैन राइट के इज लेस देन दिस, सो दिस इज लेस देन जेड वन माइनस जेड टू, इज इट पॉसिबल? के जेड वन एंड जेड टू के बीच में जो डिस्टेंस है उससे छोटा हो रहा है ना, एंड दिस इक्वल टू के दिया था मुझे, इज इट पॉसिबल? नो इट्स नॉट पॉसिबल। सो इस केस में क्या मिलेगा मुझे ना? नो लोकस,
आई विल गेट नो लोकस. याद रखो इफ के फॉर दिस इक्वेशन इफ के बिकम्स मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू द लोकस इज ए इलिप्स. इफ के बिकम्स इक्वल टू मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू देन इट्स ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग जेड वन एंड जेड टू. And if k is less than mod of z1 minus z2, we'll get no locus. Locus मिलेगा ही नहीं मुझे, कुछ पात ही फॉलो नहीं करेगा ही, कोई सर्टन ज्योमेट्रिक कंडीशन को ये फॉलो नहीं कर रहा है. ठीक है, ओके, चलो लेट्स मूव. ओह, ये क्वेश्चन आ गया क्या? चलो क्वेश्चन से पहले और एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता देता हूँ. फॉर्म थ्री हाइपरबोला की डिस्कशन कर लेते हैं हम यहाँ पे. हाइपरबोला क्या बनेगा? मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन. बस मैं बता देता हूँ आप लोगों को थोड़ा थ्योरी, अगर आप चाहिए तो आप बुक से थ्रू जा सकते हो. लेकिन आपको ना ये चीज समझने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड कॉनिक सेक्शन को अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इक्वेशन पता नहीं है, डिफिनेशन पता नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा. तो इस केस में केस वन पे क्या हो रहा है? इफ के बिकम्स ग्रेटर देन वन, है ना, सॉरी, इस केस में अगर k becomes mod of z1 minus z2 हो रहा है, तो इस केस में no real locus are possible. इस केस में क्या मिलेगा? No locus. If k becomes greater than mod of z1 minus z2. Case 2 में क्या हो जाएगा? देखो, case 2 में if k is equal to z1 minus z2, mod of z1 minus z2, यहाँ पे भी z lies on the लाइन सेगमेंट. क्या मिलेगा मुझे? जो मूविंग पॉइंट है ना, लोकस जेड है, मूविंग पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट है, जेड लाइज ऑन ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, जेड लाइज ऑन ए लाइन सेगमेंट आउटसाइड जेड वन एंड जेड टू. ऐसे कैसे होगा? अगर आपके पास ऐसे कुछ लाइन है, आपको सपोज है ना, ऐसे कुछ लाइन है, ठीक है, और ये आपका आपके पास z2 है और ये आपके पास z1 है, ठीक है. तो z कहां लाई करेगा ना? z lies on a line segment outside z1 and z2, है ना. तो यहाँ यहाँ भी लाइक कर सकता है और यहाँ पे भी लाइक कर सकता है जेड, मतलब जेड वन और जेड टू के बीच में नहीं लाइक करता है, ठीक है. ये होता है सेकेंड केस, ओके. देन मूव थ्रू द थर्ड केस. केस थ्री क्या होता है भाई ना? इफ के बिकम्स लेस देन मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू, इस केस में क्या होता है ना? जेड लाइज ऑन हाइपरबोला. हाइपरबोला हुज क्या हो जाएगा? हुज फोकाई आर जेड वन एंड जेड टू, मतलब जो दो फिक्स पॉइंट होते हैं ना हाइपरबोला के केस में, है ना. अच्छा, हाइपरबोला के केस में आपको याद है ये चीज, हाइपरबोला के केस में क्या होता है? क्या होता है जो डेफिनेशन, जैसे कि हम एलिप्स का अल्टरनेट डेफिनेशन देख रहे होते हैं, वैसे ही हाइपरबोला की तो अल्टरनेट डेफिनेशन होता है ना. ऐसे कुछ अगर आपके पास हाइपरबोला है, सपोज दिस इज जेड वन, है ना, तो अगर कोई भी एक फिक्स्ड पॉइंट, सॉरी मूविंग पॉइंट पी, जिसका लोकस जेड है, सॉरी जिसका पॉइंट जेड है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस की डिफरेंस अगर हम ले लेंगे, है ना, तो मुझे क्या मिलेगा? अगर ये मिलेगा मुझे क्या ना, एसपी माइनस एस डैश पी क्या होता है? दैट इज बिकम्स 2a. ये होता है जो कॉनिक सेक्शन पढ़े थे ना हम लोग, कॉनिक सेक्शन के केस में ये अल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला होता है. अब देख लेना थोड़ा, एक
इतना ज्यादा कुछ सोचो मत, ठीक है। अगर ये हो रहा है तो इस केस में क्या हो जाएगा, देखो सिंपली वही चीज को अप्लाई, एसपी क्या हो जाएगा भाई, एसपी जेड माइनस जेड वन मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन प्लस एसडीएसपी क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू, है कि नहीं, इज इक्वल टू टू ए आ जाएगा, है ना। सो हेयर टू ए क्या हो जाएगा, टू ए क्या होता है, ये तो ए जीरो होता है, ये माइनस ए जीरो होता है ना, और यहाँ पे एक्सेंट्रिसिटी जो होता है दैट इज ग्रेटर देन वन होता है ना। सो यहाँ पे क्या बनेगा ना, जो टू ए है ना इसके बीच में, ये ए जीरो, ये माइनस ए जीरो, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये क्या होता है ना, टू ए। सो टू ए इफ टू ए बिकम्स लेस देन मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू, ठीक है, तो इस केस में क्या बनता है ना, देन द पॉइंट जेड डिस्क्राइब ए हाइपरबोला हैविंग फोकाई जेड वन एंड जेड टू। ये केस में ये क्या होता है ना, जेड लाइज, दिस जेड लाइज ऑन ए हाइपरबोला, समझ में आ रहा है, ये चीज होता है, ओके ठीक है। ये कॉनिक सेक्शन का कॉन्सेप्ट है, वही चीज को हम यहाँ पे भी डिस्कस किए हैं और कुछ नहीं किए हैं, हम 2a के जगह में k को ले लिए हैं, है ना। इफ k बिकम्स लेस देन z mod ऑफ z1 माइनस z2 देन z लाइज ऑन ए हाइपरबोला वेयर फोकाई आर z1 माइनस z1 एंड z, वही चीज को। अच्छा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे करेंगे, डोंट वरी, हम करेंगे, जरूर करेंगे, इसको नोट डाउन कर लो, 2023 जेई मेंस का क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन है, मैं जिसको कवर करना चाहता हूँ अभी, जल्दी से नोट कर लो, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन प्लीज एवरीवन। हो गया, ठीक है, चलो। सो लेट्स मूव थ्रू द मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन ऑफ जेई मेंस, जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूं, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू आर, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है ना। अच्छा ये अगर एक सर्कल है, इसका रेडियस क्या हो जाएगा और सेंटर क्या हो जाएगा, ये सेंटर हो जाएगा जेड वन एंड रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस क्या आ जाएगा ना, आर, है ना। अगर मैं ऐसे कुछ लिखूं जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर, ये केस में सेंटर बिकम्स जेड नॉट एंड रेडियस बिकम्स आर, ठीक है, ये होता है, ये सर्कल की इक्वेशन होता है, ठीक है, सेंटर एट ओरिजिन एंड हैविंग रेडियस आर, है ना, और सेंटर जेड जेड वन है एंड रेडियस आर है, ठीक है, ये एक केस है। सेकंड केस, सेकंड केस में क्या होता है, अगर मैं आपको ये बताऊं मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन इज लेस देन आर, इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में जो रीजन है ना, अगर सेंटर जेड वन है और ये मेरा जेड है ना, सेंटर जेड वन है, ये मेरा जेड है, और रेडियस क्या है ना, आर है, और ये बोला है कि जेड माइनस जेड वन की बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज लेस देन वन, तो ये हो जाएगा, ये इनसाइड, इसका मीनिंग इनसाइड द सर्कल, द रीजन वेयर जेड इज लाइंग इनसाइड द सर्कल, ये होता है, ठीक है। एंड द थर्ड केस, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन इज ग्रेटर देन आर टू एंड लेस देन आर वन, है ना, मतलब ऐसे कुछ टू सर्कल है आपके पास, है ना, एंड दे आर कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है ना, बोथ आर, बोथ द सर्कल्स आर हैविंग द सेम सेंटर, है ना, फर्स्ट रेडियस इज सपोज आर वन, सेकेंड रेडियस इज आर टू, है ना, सेंटर ये है, तो इस केस में क्या होता है, जो रीजन होता है जेड माइनस जेड वन, जेड और जेड वन के बीच में डिस्टेंस है वो आर टू से आर वन के बीच में लाइक कर रहा है, तो ये रीजन है। I hope all of you have visualized all these things, है ना, ये रीजन होता है, ये रीजन क्या है ना, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन इज ग्रेटर देन आर टू एंड इज लेस देन आर वन, ठीक है, अगर फर्स्ट रेडियस इज आर वन है,
सेकेंड रेडियस आर टू है, तो ये होता है, ठीक है। एंड द फोर्थ थिंग इज डायमेट्रिक फॉर्म। अच्छा, डायमेट्रिक फॉर्म क्या होता है? द मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड वन माइनस जेड टू का होल स्क्वायर। ये होता है डायमेट्रिक फॉर्म। ऐसे कुछ होता है जैसे कि आपके पास कोई पॉइंट है जेड, और ये जेड वन है, ये जेड टू है, और इन दोनों के बीच में, देखो इन दोनों के बीच में मैं क्या बोल रहा हूं भाई, ऐसे ऐसे नहीं फिगर बनेगा भाई, देखो ऐसे बनेगा। देखो डायमेट्रिक फॉर्म क्या होता है, सपोज दिस इज जेड वन एंड दिस इज जेड टू, तो मैं बोल रहा हूं जेड वन, जेड और जेड वन के बीच में डिस्टेंस और जेड एंड जेड टू के बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर का सम, इन दोनों के स्क्वायर की सम क्या होता है ना, जेड वन जेड टू के बीच के डिस्टेंस के साथ सेम होता है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा क्या? देखो, अरे अगर सपोज दिस इज पी, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर, ठीक है, तो ये केस में क्या हो जाएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज करेंगे तो पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर आ जाएगा, है कि नहीं बोलो। तो ये पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अगर ऐसे हो रहा है तो यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे ना सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को, पी क्यू क्या हो जाएगा, जेड माइनस जेड टू का स्क्वायर प्लस पी आर क्या हो जाएगा, जेड माइनस जेड वन का स्क्वायर, क्यू आर क्या हो जाएगा ना, जेड वन माइनस जेड टू का स्क्वायर, है ना। सो इट्स अ सर्कल, है ना, यहाँ पे कैसे ना एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा ये, और जिसका डायमीटर्स की एन पॉइंट्स जेड वन एंड जेड टू है, वही पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। इट्स अ सर्कल, टाइम हो चुका है, मैं जल्दी से बता देता हूं आपको। इट्स अ सर्कल, है ना, विथ जेड वन एंड जेड टू एज डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स, ठीक है, यही होता है और कुछ नहीं, है ना। देखो आप यहां से फिगर से समझ सकते हो यार, कुछ भी नहीं है इसमें, इजी चीज है ना। तो आप लोगों के लिए पास ये एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, प्लीज नोट इट डाउन एंड ट्राई टू सॉल्व इट एंड कम विद द आंसर टू द नेक्स्ट क्लास, है ना। सो फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वील बी स्टार्टिंग फ्रॉम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, नथिंग एल्स, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू, इट्स टाइम टू वाइंड अप योर क्लास, थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। Actually, just a minute.